उज्जैन में तेज आंधी के चलते महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिरकर टूट गई हैं। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ रुपए है, जिसमें पहला चरण 351 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है। तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्तऋषियों की मूर्तियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनमें से कई मूर्तियां ज़मीन पर गिर गई तो कई मूर्तियों के हाथ और सिर टूट गए। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे हुए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि इतने नुकसान के बाद भी किसी को चोट नहीं आई। दरअसल 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी हैं। इन पर गुजरात की एमपी बवरिया फर्म से जुड़े गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद देश विदेश से लगातार श्रद्धालु महाकाल लोक को निहारने पहुँचते हैं। लेकिन महाकाल लोक में हुए कंस्ट्रक्शन की पोल खुल गई है। इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ ने जांच दल गठित किया है, तो अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब महाकाल के नाम पर भाजपा पैसे खा गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें भाजपा ने भ्रष्टाचार ना किया हो। उज्जैन के महाकुंभ में भी घटिया निर्माण किया और अब 750 करोड़ से बने महाकाल लोक कॉरिडोर की मूर्तियां तेज हवा से उड़ गई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जहां तेज आंधी तूफान में 3 लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हुए हों, वहाँ कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होने की बजाय राजनीति कर रही है, बिना किसी तथ्य को सामने रखे सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि मूर्तियां गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम महाकाल लोक पहुंच गई। श्रद्धालुओं को बाहर किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि बहुत तेज आंधी आने के कारण मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिर गई। लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी इन मूर्तियों की लाइफ 10 साल है। पत्थर की मूर्तियां बनने में समय लगेगा। फिलहाल कंपनी को ही इनका रखरखाव करना है। क्रेन की मदद से मूर्तियों को दोबारा लगवाया जाएगा। घटना के लिए जिम्मेदारी तय कर उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए महाकाल लोक को बंद किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव।